नमस्कार, एचबीसी विशेष में आपका स्वागत है और मैं विजयंत कुमार। विशेष में आज की शुरुआत करेंगे भीलवाड़ा से, जहां शहर में दलाल सक्रिय होने के साथ साथ आम जनता के लिए परेशानियों का कारण बने हुए हैं। हम बात कर रहे हैं भीलवाड़ा की, जहां शहर में दलालों का बोलबाला है और ये दलाल सक्रिय होकर यातायात सलाहकार बने हुए हैं। आइए दिखाते हैं कि किस तरीके से फैला ये मकरजाल। सरकार की अनदेखी के चलते परिवहन विभाग दलालों का चारागाह बना हुआ है। विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों का इन दलालों पर हाथ है। वहीं खुद दलाल ये कबूल करते हैं कि वो हर माह मोटी रकम इनको पहुंचाते हैं, इसीलिए ये दलाल जनता को भ्रमित कर जमकर चांदी काट रहे हैं। केवल भीलवाड़ा शहर में ही करीब 200 दलाल सक्रिय होकर यातायात सलाहकार बने हुए हैं, जिनकी ना तो कोई कार्य करने की रेट फिक्स है और ना ही इनको किसी प्रकार सरकार को टैक्स देना पड़ता है। ये लोग अपनी मन मर्जी से आम जन को भ्रमित कर पैसे ऐंट रहे हैं और मजबूरी वश आम लोगों को भी इन्हीं से लाइसेंस सहित यातायात संबंधित सारे कार्य इनके मार्फत करवाने पड़ रहे हैं। अगर कोई भूलवश भी सीधे परिवहन विभाग में लाइसेंस के लिए आवेदन कर देता है तो महीनों तक उसको टाल मटोल करते हैं। ब्रोकर के थ्रू बनवाया है क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट, बल्कि यहाँ से बनवाता तो टाइम वेस्ट होता है और मुझे अर्जेंट में चाहिए था, तो मुझे इतनी जानकारी भी नहीं थी कि कहाँ से क्या करवाना है। अर्जेंट का थ्रू बनवाया तो गाइडेंस भी मिल गया और ज़्यादा मुझे चक्कर भी नहीं काटा, 550 रुपये दिए। जहाँ सरकार की बात करें तो सेवा का अधिकारों का कानून बनाकर बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए, लेकिन वे सारे धराशाही होने के साथ साथ आम जनता के लिए परेशानी का सबब बनते नजर आ रहे हैं। कहने को तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कई नियम बना रखे हैं, लेकिन दलालों के मार्फत लोगों को घर बैठे ही लाइसेंस मिल जाता है। वहीं विभाग के कर्मचारी भी लाइसेंस बनवाने वालों को किसी न किसी दलाल के पास भेज देते हैं, जहाँ लाइसेंस बनाने की सरकारी फीस मात्र 300 है, लेकिन दलालों द्वारा 1500 रुपए से 2000 तक वसूले जाते हैं। वहीं लाइसेंस बनाने की उम्र 20 से 50 साल तक निर्धारित है, लेकिन कई बार मिली भगत से कम उम्र के लाइसेंस बना दिए जाते हैं, जिससे दुर्घटना बढ़ने के आसार बनते हैं। लाइसेंस नहीं बनाया और मैं आए दिन परेशान हो रहा हूँ, और जो इसके दलाल के मातिर दलाल जो काम करते हैं उससे तुरंत लाइसेंस बन जाता है और हमारा बनता नहीं है। अधिकारी ने बोला कि आज आना, कल आना, परसों आना, चक्कर देते हैं। प्रशासन की अनदेखी के चलते दलाल सक्रिय होते नजर आ रहे हैं, जो वसूल रहे हैं मन मर्जी पैसे। लेकिन अगर इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है तो वो दिन दूर नहीं जब आम लोगों को इन दलालों से पीछा छुड़ाना और भी महंगा साबित हो सकता है। अब तक आपने देखा कि भीलवाड़ा शहर में किस तरह दलालों का जाल फैला हुआ है। जाहिर सी बात है कि जब अधिकारियों का हाथ उनके साथ हो तो दलालों का सक्रिय होना लाजमी है। वहीं जब मीडिया ने परिवहन विभाग में प्रवेश किया तो वहां मौजूद दलालों में हड़कंप मच गया और दलाल कागजों के बंडलों को छुपाते नजर आए। सरकारी आदेशानुसार जहां पहले लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए भी कई तरह की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था और मौके पर ही वाहन चलाकर ट्रायल देनी पड़ती थी, लेकिन अब दलालों की मिलीभगत से बिना ट्रायल के ही घर बैठे लोगों के लाइसेंस बना दिए जाते हैं। जब इस मामले में अतिरिक्त जिला परिवहन अधिकारी अनिल शर्मा से बात की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि दलाल कार्य करते हैं, लेकिन आम जनता ही उनके मार्फत काम करवाती है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमें जब भी इसकी शिकायत मिलती है तो उसकी जांच करवाते हैं। वहीं यातायात सलाहकार संघ अध्यक्ष भरत सिंह राजावत का कहना है कि यातायात विभाग सहित कई विभागों में दलालों के मार्फत काम कराना आम जनता की मजबूरी है, क्योंकि भीलवाड़ा जैसे जिला परिवहन कार्यालय में जहां 2 दर्जन कर्मचारियों की आवश्यकता है, वहीं यहां आधा दर्जन कर्मचारी ही नियुक्त है, तो ऐसे में दलाल ही काम करेंगे और आम जनता भी इन्हीं से काम करवाने को मजबूर होगी,
साथ ही कहा गया कि पहले दलालों को काम करने के लिए अधिकृत कर लाइसेंस दिए जाते थे, वहीं अब यातायात सलाहकारों का रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर सरकार द्वारा किसी प्रकार के कार्य की दरें निर्धारित नहीं होने से कई लोग अपने आप को यातायात सलाहकार बनाकर ये कार्य कर रहे हैं, जिसे आम जनता के साथ लूट मार ज्यादा हो रही है। सेवाएं हैं वो एक मजबूरी से हमें देनी पड़ रही है, और हम तो वैसे हमारा मजबूरी हमारी ये थी कि हमें कोई रास्ता, हमारे को जो रोजगार की तलाश में हमने चुना है धंधा, इस व्यवसाय में हमने देखा कि लोग बाग काफी परेशान रहते हैं, लोगों के पास समय नहीं होता है, उनको अपनी थोड़ा समय दे करके उनका काम करवा करके, और वैसे कोर्ट के आदेश अनुसार भी हम हमारा मुख्तारनामा लगवा करके इन लोगों का काम करवाते हैं, लेकिन हमें रिश्वतखोरी का जरिया बनाया गया है। हम काफी संख्या में धीरे धीरे अब 150 से करीब एजेंट है जो हम इन बाबुओं को, एक्चुअली 6 या 7 बाबुओं या एक अधिकारी के बलबूते पूरे जिले का काम हो पाना संभव नहीं है, इसलिए हमको करना पड़ता है। मोटरसाइकिल बनाना चाह रहा है तो उसके लिए उसको 280 रुपए की रसीद करानी पड़ती है, वो भी ऑनलाइन करती है रसीद, और दोनों आइटम अगर बनाना है मोटरसाइकिल प्लस लाइट मोटरसाइकिल उसके लिए 360 रुपए की रसीद करती है। रसीद कटाने के बाद में हम उसका लर्निंग का जो होता है वो टेस्ट लेते हैं, जो कि ऑनलाइन हमारा सारथी जो कियोस्क है उसके ऊपर वो आकर के एग्जाम देता है, और उसमें ऑनलाइन ही 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें 60% अगर वो प्राप्त कर लेता है तो वो पास हो जाता है लर्निंग के अंदर, अन्यथा अगर वो 60% से नीचे रहता है तो ऑनलाइन ऑटोमेटिकली वो फेल हो जाता है, उसको 7 दिन बाद में हम वापस बुलाते हैं। सरकार को इनके द्वारा कार्य किए जाने की सीमित दरें निर्धारित कर इन सब का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, ताकि आम जनता का काम भी हो सके, साथ ही दलालों की जिम्मेदारी भी तय हो सके। लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिरकार इन दलालों पर कब अंकुश लग पाएगा। बड़ा जिला परिवहन कार्यालय का हाल बेहाल है, यहाँ पर आने वाले हर व्यक्ति को दलालों के आगे पीछे घूमना पड़ता है, यहाँ कोई भी काम बिना सिफारिश के नहीं होता है, बिना दलाल के नहीं होता है। सरकार ने ये निर्देश दे रखे हैं कोई भी काम दलाल के मार्फत नहीं होगा, अधिकारियों से सीधा संपर्क करें, लेकिन हाल ये है कि यहाँ पर सीधे जाने वाले व्यक्तियों को पूरी तरह से समय पर काम नहीं करके दिया जाता है, चक्कर लगाए जाते हैं। इसी का परिणाम है कि आज इस कार्यालय के बाहर सूचना के अधिकार के तहत दी गई जानकारियों के बावजूद कई चक्कर लगाने से बचने के लिए आम नागरिकों को इन दलालों का सहारा लेना पड़ता है। अब देखना यह होगा कि सरकार के निर्देश और विभाग के अधिकारी इन दलालों की सेवाएं कब और कितनी रोक पाते हैं और आम जनता को कितनी राहत दे पाते हैं। भीलवाड़ा से SBC के लिए लादूलाल तेली। तो आपने देखा कि किस तरह भीलवाड़ा में अधिकारियों की मदद से दलालों का मकर जाल फैला हुआ है। अब बात करेंगे नागौर की, जहां पर की आंगनबाड़ी केंद्र कबाड़ में तब्दील हो रहे हैं, आखिर कैसे बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। HBC विशेष में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरकार में मंत्री नियुक्त किए जाते हैं ताकि सभी विभागों में जनता से जुड़े काम सुचारू रूप से हो सके, लेकिन राज्य सरकार के एक मंत्री के गृह जिले में ही उनके मंत्रालय से जुड़ा विभाग बदहाल और अनियमितताओं से जूझ रहा है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में मंजू मेघवाल के नागौर जिले में आंगनवाड़ी केंद्रों के हालात कैसे हैं। राज्य सरकार द्वारा संचालित नागौर जिले के अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्रों में अव्यवस्था का आलम है। इन केंद्रों में ना तो रेडी टू ईट फूड का व्यवस्थित ढंग से पालन हो पा रहा है और ना ही केंद्रों में पढ़ने के लिए बच्चों की पर्याप्त संख्या है। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र मूल उद्देश्य भटकते नजर आ रहे हैं, जबकि गरीब बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना को जोर शोर से शुरू किया गया है। ज्यादातर आंगनबाड़ी केंद्र एक कमरे में चलते हैं, जहां की पढ़ाई के साथ साथ पोषाहार के लिए रसोई और सामान रखने के लिए स्टोर का इस्तेमाल भी उसी कमरे में किया जाता है, जिसके चलते आंगनबाड़ी केंद्र एक कबाड़ की तरह नजर आते हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो नागौर जिले में 2684 आंगनबाड़ी केंद्र हैं और इनमें तकरीबन 2 लाख बच्चे शिक्षा ग्रहण करके लाभान्वित हो रहे हैं। वहीं महिला एवं आंगनबाड़ी विभाग के अधिकारी सरकार की सभी योजनाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों में सुचारू रूप से चलाने की बात कह रहे हैं।
नागौर जिले में टोटल 2684 केंद्र है, आंगनवाड़ी केंद्र 2684 है, जिनमें से हमारे यहाँ पे 2752 टोटल उनमें कार्यकर्ता कार्य कर रही है, और क्रियाशील आंगनवाड़ी केंद्र जो है वो 2787 है, जो कि सहायिका या सहयोगिनी अगर कार्यकर्ता नहीं है तो उनपे वो काम कर रही है, केंद्र चला रही है। और बच्चे जो है हमारे टोटल लाभान्वित इससे हो रहे हैं, लगभग 1,98,000 हमारे कुल लाभार्थी हैं, जिनके अंदर की 0 से 3 इयर्स के और 3 to 6 इयर्स के बच्चे भी हैं, गर्भवती महिलाएं भी हैं और धात्री महिलाएं भी हैं, उनको लाभान्वित किया जा रहा है इसके माध्यम से। अधिकारियों की बात तो आपने सुन ली, लेकिन असली हालात क्या है यह आप खुद देख सकते हैं। जब हमारी टीम ने आंगनबाड़ी केंद्रों का दौरा किया तो कागजों में दर्ज 40 बच्चों में से आधे भी किसी भी केंद्र पर नहीं मिले। कई गांवों में तो केंद्रों पर भी ताले लटके मिले। आमजन के साथ साथ विपक्षी दल भाजपा से जुड़े जन प्रतिनिधि भी आंगनबाड़ी केंद्रों में फैले भ्रष्टाचार से आक्रोशित हैं। वहीं ये मांग भी की जा रही है कि जो आंगनबाड़ी केंद्र बदहाल हैं और स्कूलों के पास चलते हैं, उन्हें स्कूलों में मर्ज कर देना चाहिए। पूरे राजस्थान में हालत खराब है, और वैसे देखा जाए तो मंजूरी मेहरवाल जो आंगनबाड़ी की मंत्री भी हैं, उनके तहसील स्तर में जेल में भी और अभी हाली डेगाना में भी एलएस रिश्वत लेते पकड़ी गई है, और नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे महकमे में सभी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। स्थिति मीडिया के भी सामने है, यहाँ पे जायल से महिला बाल विकास मंत्री मंजू जी मेघवाल जी हैं, उन्हीं के घर के पास के अंदर सुपरवाइजर लेडी को एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। डेगाना के अंदर भी ये कांड हुआ, और जबकि राज्य सरकार पोसार के नाम पे आंगनबाड़ियों को देती है, इसमें भी भ्रष्ट चरम सीमा के ऊपर है। इतनी भ्रष्टा फैली हुई है कि बच्चों के नाम पे भी ये लोग खा रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, और राज्य सरकार इसका इस तरफ और ध्यान नहीं दे रही है। लोगों का मानना है कि जब महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री मंजू मेघवाल के गृह जिले में भी आंगनबाड़ी केंद्रों में अनियमितताओं और बदहाली का आलम है, तो प्रदेश के बाकी आंगनबाड़ी केंद्रों का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। तो नागौर जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों का मूल उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है, ये केंद्र अनदेखी के शिकार हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जब हमारे संवाददाता आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे तो उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे कम आने के बारे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से बात की तो उन्होंने स्कूलों पर ही सारा दोष मढ़ दिया। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी भी मानते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र निरीक्षण के दौरान बंद पाए जाते हैं। कहा जाता है कि राज्य सरकार में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री के गृह जिले नागौर में ही आंगनबाड़ी केंद्रों का मूल उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पा रहा, क्योंकि आंगनबाड़ी में कार्यकर्ताओं की अनुपस्थिति, बच्चों की कम संख्या, खेल सामग्री, अध्ययन सामग्री, पोशाक तत्वों की गुणवत्ता एवं उसे देने का तरीका, ये सब तो ज्यादातर केंद्रों में बदहाल है। स्कूल में क्या रंग देते, आंगनबाड़ी पर बच्चे आते नहीं, 6-3 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चे स्कूल में घाल देते, प्राइवेट स्कूल में घालते, तो आंगनबाड़ी में बच्चा कैसे आएगा है। सरकार से मांगे कि 6 साल के बच्चे पहले स्कूल में एडमिशन नहीं करना। आप बार बार में आते हैं कि आंगनबाड़ी और बच्चे नहीं मिलते, बच्चे मिलते कैसे है, बच्चे तो स्कूल में गाल देते। सरकार को हमारे आए हैं कि क्यों तो आपका पोसा रखा लो, नहीं हमारे बच्चों को स्कूल में एडमिशन 6 साल से पहले नहीं करना। बच्चे कहीं 7-8 हजार 10-15 हजार है, इसको चीना देते हैं, फुलिया देते हैं और हलवा खवाते हैं। कितने बच्चों को लाते, कितने बच्चों को देते हो आप पोशाक वगैरह? बच्चे तो भाव जितने भी लेते हैं। तो रजिस्टर में 40 क्यों भर रहा है? वो तो आवे जितने भरते हैं। तो आज तो रजिस्टर में 40 है, आज तो ब्रीड ओपन है तो 40 आवे ना भी।